सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टैप टैक। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो वायरलेस ईयरफोन का, जो एक है JBL की तरफ से आने वाला इन्फिनिटी ग्लाइड 120, जिसके हमने अनबॉक्सिंग भी करी है। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। और जो दूसरा वायरलेस ईयरफोन है वो है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी वायरलेस बर्ड्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अपना कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर। तो अगर बात करूं मैं JBL की इन्फिनिटी ग्लाइड 120 की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको ओके देखने को मिलती है। ना मैं कहूंगा ज़्यादा अच्छी, ना मैं कहूंगा ज़्यादा बेकार, अपने प्राइस के हिसाब से ही अपनी बिल्ड क्वालिटी को जस्टिफाई करता है। अगर बात करें रियलमी के वायरलेस बर्ड की, तो यहाँ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। जो इसकी वायर्स हैं उनकी थिकनेस इनफ है, और ये अच्छी मोटी वायर है, ये दिक्कत तो होगी नहीं कभी, अगर ये मुड़ती भी है वगैरह, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे ऐसे मोड़ा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर बिल्ड क्वालिटी से लेकर एक और चीज़ मेंशन करनी हो, तो यहाँ पर जो इसके वॉल्यूम रॉकर्स हैं ये आपको मेटल के देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको आवाज़ से पता चल जाएगा अगर आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ JBL वाले की, तो इसके ही आपको प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, जो कि थोड़ा सा चीप लगता है देखने में। और फिर पर अगर यहाँ पर इसके एयर टिप्स को देखें, तो ये आपको यहाँ पर मेटल के देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के ही आपको प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। और दोनों में ही आपको मैग्नेटिक देखने को मिलेगा, इसमें भी मैग्नेट है और यहाँ पर भी आपको मैग्नेट देखने को मिल जाते हैं, और दोनों ही इनफ टैक्टाइल हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली मैग्नेट से रिलेटेड। अब बात करते हैं इन दोनों की बैटरी बैकअप की। सबसे पहले बताते हैं JBL वाले यानी इन्फिनिटी ग्लाइड, यहाँ कंपनी क्लेम करती है ये आपको 7 घंटे का बैटरी बैकअप देती है, पर जब हमने इसे यूज़ किया, आप कह लो एक नॉर्मल यूसेज जहाँ पर हम गाने सुनते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो वहाँ पर इसने मुझे बैकअप दिया था 5.5 से 6 घंटे का बैकअप, जो कि अच्छा बैकअप है। और अगर बात करें रियलमी की, तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है 12 घंटे का बैटरी बैकअप एक हैवी यूसेज के साथ। तो हाँ, यहाँ पर कंपनी अपनी जो वैल्यू देती है उस पर जस्टिफाई करती है, क्योंकि हाँ ये इनफ आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो। एक और चीज़ जो रियलमी के वायरलेस ईयरबड में आपको देखने को मिलती है, और आप कह सकते हो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये हर एक कंपनी को मतलब एक्वायर करना चाहिए इनसे, कि जब मैं इसे ऐसे मैग्नेट दोनों अटैच कर देता हूँ, तो जो मेरा ये वायरलेस बर्ड है ये अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है, और जैसे ही मैं इसे हटा दूंगा तो ये अपने आप टर्न ऑन हो जाएगा, जिससे मेरी बैटरी सेफ हो जाती है। अगर मैं गाने नहीं सुन रहा, अगर मैंने इसे कान से निकाल दिया और जैसे ही मैग्नेट टच होती है तो ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं। पर हाँ, कभी कभार दिक्कत भी होती है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लूटूथ टर्न ऑन रहे, पर कभी कभार अगर मैंने सिर्फ इन्हें लटका रखा है तो अगर ये टच हो गए तो वो बंद हो जाता है वापस, तो फिर वापस खोल के करना पड़ता है। बट इतना इशू नहीं आता, क्योंकि ओपन करने पे अपने आप टर्न ऑन भी हो जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। पर सेम फीचर आपको JBL के ईयरफोन के साथ आपको देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं इनके असली फीचर यानी इनके म्यूज़िक के बारे में। अगर आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा सुनता है, या आपको समझ है थोड़ी बहुत म्यूज़िक की, क्योंकि देखो एक नॉर्मल पर्सन बस किस लिए रहता है गाने सुनने के लिए, क्योंकि जैसे मैं भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह यूज़ करता हूँ, मुझे भी म्यूज़िक की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे तो दोनों ही ईयरफोन ठीक लगते हैं। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ बेस की, तो आपको JBL में थोड़ा ज़्यादा बेस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू रियलमी बर्ड्स। बट अगर आप सोच रहे हो कि म्यूज़िक क्वालिटी JBL की सुपीरियर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू रियलमी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बेस को छोड़ दो अगर आप, तो दोनों की म्यूज़िक क्वालिटी लगभग इक्वली है। अब बात करते हैं इनके प्राइस की, तो यहाँ पर JBL कितने का मिलेगा, ये आपको मिलेगा 800 रुपये के। और अगर बात करें रियलमी वायरलेस बर्ड, तो मेरे ख्याल से इसका अराउंड, मेरे को अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है, तो शायद आपको ये 1600 या 1700 रुपये में आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ, अब क्योंकि प्राइस ब्रैकेट की बात हो रही है, तो आराम से यहाँ पर JBL हमारा बाजी मार जाता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर दुगना मार्जिन है, 800 और फिर 1600 या 1700, आपको जो भी मान के चलना है। तो प्राइस की बात तो हो गई, अब प्राइस के बाद बात करते हैं वारंटी की। तो JBL वाले में आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, और रियलमी वाले में इसके अंदर आपको 6 महीने की वारंटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ अपने पर्सनल ओपिनियन की, क्योंकि मैं रियलमी वाला 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और इसको यूज़ करते हुए हो गए मुझे 10 दिन। तो अगर मैं पर्सनली इसका बताऊं, तो अभी तक तो मुझे एज सच इसमें कोई इशू नहीं आया, और शायद 10 दिन जल्दी होंगे किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। तो मैं शायद, हो सकता है इसका एक और रिव्यू लेके आऊं, जहां पर मैं इसे 30 दिन या फिर 2 महीने बाद आपको बताऊं कि मुझे इसमें अगर कोई इशू आया या नहीं आया। पर अगर मैं बात करूं रियलमी की, तो इसके अंदर जो 2-3 प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, वो थी पहला जो इसका चार्जिंग का जैक है, यहाँ पर इसे कवर करने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से यहाँ पर डस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आप इसे जिम के टाइम पे यूज़ कर रहे हो स्वेटिंग वगैरह, तो स्वेट जा सकता है इसके अंदर, जिस वजह से इसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दूसरा ये लोग क्लेम करते हैं कि 10 मिनट के अंदर आपको इसमें 100 मिनट का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, बट मुझे 10 मिनट के अंदर अराउंड 1 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिला, इसका मतलब 60 मिनट, तो वैसे इतना बुरा भी नहीं है, तो ठीक ही था वो चीज़ तो। और कनेक्टिविटी का मेरे को इसमें थोड़ा सा इशू आया, पहले ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता था सुपर फास्ट, बट अब थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, अब थोड़ा लेट में कनेक्ट होता है। और एक और फीचर है जो मैं यहाँ पर बताना भूल गया JBL का, वो है इसमें आपको ड्यूअल पेयरिंग देखने को मिलती है, इसका मतलब ये दो डिवाइस के साथ सेम टाइम पर कनेक्ट हो सकता है। तो इसका फायदा क्या है, अगर आप किसी एक डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो उसी के साथ साथ दूसरे डिवाइस में अगर मान के चलो कॉल आ जाती है, यहाँ पर ये प्रेफरेंस देखेगा, अगर कॉल आई तो ये अपने आप दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा और आप कॉल को पिक कर सकते हो। तो ये था हमारा अनबायस्ड कंपैरिजन जिसे आप कह सकते हो इन दोनों लीडो का, एक है Realme की वायरलेस बर्ड और दूसरे हैं JBL की तरफ से आने वाले Infinity Glide 120। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसे ही कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पे देखने को मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन ताकि हम उसे जल्द से जल्द सुधार सकें। थैंक यू।